नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो आप इस वीडियो को, ये वीडियो आपके लिए है और आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। और दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, मैकेनिकल होता है। और दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी डिपार्टमेंट होते हैं। हम डिपार्टमेंट्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लाइक मेंटेनेंस है, आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, कितनी इसकी सैलरी होती है, क्या इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यार उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट की, तो देखो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपका काम क्या होगा। तो दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय होते हैं या जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका काम ये होता है इंस्पेक्शन करना। जैसे कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनना है तो वो प्रोडक्ट जो है वो सही बन रहा है या नहीं, या जो उसकी डायमेंशन है वो उसी डायमेंशन का बन रहा है या नहीं, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है या नहीं, ये होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम। अभी दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट का एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। देखो जो इंस्पेक्शन होता है वो ड्यूरिंग प्रोसेस होता है और आफ्टर प्रोसेस होता है। लाइक कोई प्रोडक्ट है उस पर एक प्रोसेस तो होती नहीं है कि एक प्रोसेस किया और प्रोडक्ट बन गया, उस पर काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं और जब जाके एक प्रोडक्ट फाइनल तैयार होता है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट का ये भी काम होता है कि बीच में ड्यूरिंग प्रोसेस चेक करना कि एक प्रोसेस हो गई या दूसरी प्रोसेस हो गई, तो फिर उस प्रोडक्ट को चेक करना कि दो प्रोसेस जो हुई हैं वो सही हुई हैं या नहीं। क्योंकि थर्ड प्रोसेस पर पहुंचने से पहले अगर हम चेक कर लेंगे तो वो थर्ड प्रोसेस पर नहीं पहुंचेगा, हमारा टाइम बच जाएगा वहां पर। क्योंकि वो पहले से ही अगर डिफेक्टिव है और फिर हम उसे थर्ड प्रोसेस फाइनल पे देखेंगे तो वो डिफेक्टिव ही रहेगा। तो जो हमारी बाद की प्रोसेस है, जो उन पर टाइम कंज्यूम हुआ है या जो उन पर हमने काम किया है, वो तो हमारा बेकार चला जाएगा ना। तो इसीलिए उस प्रोडक्ट को हम हटा देते हैं। एक तो ऐसे इंस्पेक्शन होता है, एक होता है दोस्तों जब पूरा एक प्रोडक्ट तैयार होता है और जो कंपनी जहाँ से माल, फिर वो जैसे कोई प्रोडक्ट है वो तैयार होके मतलब रेफर किया जाता है ना, जहाँ पर जहाँ से डिमांड आई होती है उनके पास भेजा जाता है। तो जब हम उस प्रोडक्ट को पैक करते हैं उस वक्त उस प्रोडक्ट को चेक किया जाता है कि ये प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है या नहीं। ये होता है दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम। अब दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम हैक्टिक होता है या नॉर्मल होता है, कैसा होता है? तो देखो क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता है, मतलब आपको दोस्तों इसमें रेस्ट ज़्यादा मिलता है। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन की बात कर लो या किसी और डिपार्टमेंट की बात कर लो, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट एक थोड़ा सा आपको रेस्ट मिलता है इसमें दोस्तों। ज़्यादा वर्कलोड एक तरह से नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर कोई प्रोडक्ट है वो बनता है और वो गलत बनता है, और कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट अगर डिफेक्ट हो जाते हैं और अगर आपकी वो नज़र से रुक जाते हैं, आप ड्यूरिंग प्रोसेस नहीं चेक कर पाए, प्रोडक्ट बन गया उसमें ज़्यादा डिफेक्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ सकता है हायर अथॉरिटी के थ्रू। और दोस्तों अगर ज़्यादा ही मेजर डिफेक्ट्स आ रहे हैं और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आपको कंपनी से फायर भी कर दिया जाए। और दोस्तों नेक्स्ट ये है कि इसकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों अगर डिप्लोमा के बाद आप इसमें जाओगे तो क्वालिटी में दोस्तों सैलरी 12,000 रुपये होती है अगर आपने एक नॉर्मल कॉलेज से किया है, और अगर आपने एक डिप्लोमा रेप्यूटेड और एक अच्छी कॉलेज से किया है तो 15 से लेकर 20,000 रुपये होती है। और दोस्तों बीटेक वालों के लिए शुरुआत में 20 से लेकर 25,000 रुपये होती है क्वालिटी डिपार्टमेंट में सैलरी। और दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वेकेंसी की, तो देखो नंबर ऑफ वेकेंसी कम आती हैं। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं वो आपकी आती हैं दोस्तों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो शायद आपको वेट करना पड़े, या दोस्तों इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आती हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें स्कोप की, तो देखो स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है क्वालिटी डिपार्टमेंट में, क्योंकि दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ें आप सीख नहीं रहे होते हो। लाइक दोस्तों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आप प्रोडक्शन में दोस्तों स्कोप ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट में उतना अच्छा स्कोप नहीं होता। और दोस्तों जो इसमें सैलरी इंक्रीजमेंट होता है, जो आपके प्रमोशन होते हैं वो उतने जल्दी नहीं होते, और इसमें जो सैलरी बढ़ती है वो थोड़ी सी अगर और डिपार्टमेंट में जल्दी सैलरी बढ़ती है। और दोस्तों कह सकते हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में
आपको शुरुआत में अगर सैलरी मिल रही है अच्छी है, मतलब प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, इनमें दोस्तों आपको काम ज़्यादा करना होगा लेकिन क्वालिटी में काम कम करना होगा। लेकिन अगर आप इसका फ्यूचर स्कोप देखो ना, तो दोस्तों प्रोडक्शन से मेंटेनेंस से कम है क्वालिटी डिपार्टमेंट का स्कोप। तो दोस्तों ये है क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में। अगर दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आई होप दोस्तों आपके थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी ये वीडियो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो।